Welcome to One and All. We started with the chapter Operating Systems from CS1 12th Standard. In this chapter, we completed contiguous memory management, that is single, fixed and variable partition. Okay, अब ये session में हम लोग next topic पढ़ने वाले हैं from memory management, that is non-contiguous memory management. In this topic, we have to do two subtopics, that is paging and segmentation. ये जो दो terms हैं और ये टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए फॉर 4 मार्क्स. ओके, तो ये टॉपिक हमें कवर करना है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, इन दिस स्ट्रक्चर वी ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस कंटिजियस रियल मेमोरी एलोकेशन, दैट इज सिंगल फिक्स्ड एंड वेरिएबल पार्टीशन. एंड वी हैव टू डू इन दिस सेशन दैट इज नॉन कंटिजियस रियल मेमोरी एलोकेशन, paging and segmentation. It is also given, but it is not in your syllabus at present. Okay, so हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ दो terms, दो way पढ़ने हैं memory allocation के, that is paging and segmentation. So why we are using paging and segmentation and how to use this paging and segmentation, both we will see here. So let's start. First of all, what is the problem with memory partition, that is contiguous memory allocation, जो हमने डायग्राम में देखा, अभी स्ट्रक्चर में देखा, उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई कि हमें पेजिंग और सेगमेंटेशन पे जाना पड़ रहा है. ओके, कि हमें वो मेथड यूज़ करनी पड़ रही है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. सो हमने जो फिक्स्ड एंड वेरिएबल पार्टीशन पढ़े हैं, ओके, उसमें दो टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज़ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का क्या मीनिंग है, इफ़ अ पार्टीशन इज ऑफ 100K, हमारे पास एक पार्टीशन रह गया है दैट इज ऑफ 100K, ओके, इसका पूरा साइज है 100K एंड हैज़ टू बी एलोकेटेड टू अ प्रोसेस ऑफ 60K. अब हमारे पास कोई और पार्टीशन नहीं है और ये हमें एक 60K की प्रोसेस को देना है, तो हमने ये 60K का जो प्रोसेस है उसको इसमें लोड कर दिया. ओके, एंड नाउ आफ्टर लोडिंग दिस 60K, 40K मेमरी इज वेस्टेज. तो ये जो 40K है इट इज़ ऑफ नो यूज़. ओके, ये किसी भी काम का नहीं है. दिस इज नोन एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, मीन्स बड़ी लोकेशन पे, ओके, एक बड़े साइज का जो मेमरी लोकेशन वेकेंट था वहाँ पे छोटा प्रोग्राम लोड करने से क्या हो रहा है, मेमरी वेस्ट हो रहा है. दिस इज नोन एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. ओके, नाउ हियर इन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इफ अ पार्टीशन इज ऑफ 30K, अभी देखिए हमारे पास अगर यहाँ पे ये मेमोरी लोकेशंस है, ये 30K पार्टीशन फ्री है हमारा एंड वन पार्टीशन इज फॉर 50K, एक ये 50K का फ्री है, बाकी दोनों में जॉब रन हो रहे हैं. सपोज यहाँ पे जॉब 1 है, यहाँ पे जॉब 4 है. ओके, आर अवेलेबल एंड द प्रोसेस ऑफ 70K हैज़ टू बी अकोमोडेटेड. अब हमें एक प्रोसेस मिला है 70K जिसको मेमोरी में लोड करना है, तो वो अब कहाँ जाएगा, 30K तो उसके लिए छोटा है एंड 50K भी छोटा है, बाकी की दोनों जगह पे प्रोसेस अभी चालू है. ओके, तो अगर हम टोटल में देखते हैं 30 प्लस 50, सो इट इज़ ग्रेटर देन 70K. ओके, मतलब अगर ये फ्रेगमेंट में नहीं होता, पार्टीशन में नहीं होता छोटे छोटे, सो हम लोग ये 70K स्टोर कर सकते थे, बट ये सेपरेट है जिससे हमारा दोनों भी मेमोरी स्लॉट वेस्ट हो रहा है एंड वी कैन नॉट स्टोर ऑल्सो. सो दिस इज़ नोन एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. ओके, इंटरनल में क्या हो रहा है, हम सेव तो कर रहे हैं फिर मेमोरी वेस्ट हो रहा है, और एक्सटर्नल में क्या हो रहा है, कोई भी स्लॉट में हमारा जो प्रोग्राम है और जो प्रोसेस है वो फिट नहीं हो रहा है, जिससे सारे स्लॉट का मेमोरी वेस्ट हो रहा है, एंड दिस इज सच काइंड ऑफ वेस्टेज इज नोन एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. ओके, सो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर क्या करना है, व्हाई टू यूज़ नॉन कंटिजियस एलोकेशन. अगर कंटिजियस में हमें इतने सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं तो नॉन कंटिजियस में क्या करना है. इन डिफरेंट कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जस्ट वी सॉ दैट. ओके, सो नॉन कंटिजियस एलोकेशन प्रोवाइड्स अ बेटर मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो नॉन कंटिजियस मेथड जो है इसमें कुछ ऐसे
चीज़ें हैं जिससे ये जो फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो रही है. सो लेट्स सी, फर्स्ट वन इज पेजिंग. ओके, जो ये इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है दैट इज पेजिंग. तो पेजिंग के लिए बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा है सो ये दो फॉर्मेट हैं, दैट इज व्हाट इज पेजिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल एंड एक्सप्लेन पेज मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम विद अ सुटेबल पेज मैप टेबल. ओके, दोनों में से कुछ भी पूछा है और इफ़ यू आर गेटिंग पेजिंग वर्ड इन योर क्वेश्चन विथ 3 to 4 marks सो आपको एक ही आंसर लिखना है. ओके, अगर 1 mark के लिए है तो जस्ट यू हैव टू डिफाइन इट, और अगर 3 to 4 marks के लिए है तो आप जितना पेजिंग का थ्योरी है आपको वो पूरा लिखना है. ओके, सो इट कम्स इन एग्जाम फॉर 3 to 4 marks और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेजिंग और सेगमेंटेशन में से एक टॉपिक होता ही है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर गोइंग टू द थ्योरी विल फर्स्ट सी दिस डायग्राम. ये डायग्राम को पढ़ने के बाद में हम इजीली वो समझ सकते हैं व्हाट इज रिटन इन द थ्योरी. ओके, सो पेजिंग का क्या मीनिंग है, उसने एक प्रोग्राम को नंबर ऑफ पेजेस में बांट दिया है. ओके, मतलब एक प्रोग्राम है, अगर वो प्रोग्राम 10 KB का होगा, ओके, 10 KB का अगर वो प्रोग्राम है सो उसने उसको सपोज 2 KB में डिवाइड कर दिया है. क्लियर? तो यहाँ पे जो उसने पेजेस बनाए हैं, मतलब एक प्रोग्राम के उसने 5 pages बना दिए. अगर 10 KB का एक प्रोग्राम है और 2 KB इज द साइज ऑफ योर पेज, तो कितने पेज बन गए, टोटली 10/2 दैट इज 5 pages. ओके, तो उसने जितने भी पेजेस बनाए हैं उसको एक एक पेज में, मीन्स यू कैन सी हियर पेज 0, 1, 2, 3 ऐसी जगह पे लोड किया है, एंड दिस इज नोन एज लॉजिकल मेमोरी. लॉजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू पेजेस ऑफ इक्वल साइज. ओके, लॉजिकल मेमोरी जो रहता है वो डिवाइड होता है पेज में, छोटे छोटे पेज में, और वो सारे पेजेस का साइज जो रहेगा वो सेम रहेगा. नेक्स्ट, और एक हमारे पास फिजिकल मेमोरी है. फिजिकल मेमोरी में आप देखोगे तो ये पेजेस को लोड किया गया है, पेज 0, 2, 1 एंड 3. ओके, जहाँ जहाँ भी उसको जगह मिल रही है, क्योंकि बाकी फ्रेम्स बिजी हैं, वहाँ पे डेटा है, तो जहाँ पे फ्री है वहाँ पे लोड किया है. ओके, सो दीज आर फ्रेम्स. तो फिजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ फ्रेम्स, एंड लॉजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ब्लॉक्स नोन एज पेज. ओके, और ये आपके पास एक है PMT, पेज मैप टेबल, जिसके अंदर पेज नंबर लिखा है. ओके, जो हमने पेज को छोटे छोटे ब्लॉक्स में रखा है वो नंबर लिखा है और उनके सामने फ्रेम्स लिखा है. ओके, व्हाट इज द मीनिंग, पेज इज मैप्ड इनटू फ्रेम्स. ओके, लॉजिकल मेमोरी का जो पेज है वो फ्रेम में मैप किया गया है, और वो कहाँ पे स्टोर किया गया है सारा डिटेल, इन PMT, पेज मैप टेबल में. क्लियर? सो इट्स वेरी इजी. एंड पेज मैप, ये जो पेजेस होते हैं इसका जो साइज़ होगा इट विल बी ऑलवेज पावर ऑफ 2, या तो पेज का साइज 2K रेंज में होगा, 2 से स्टार्ट होगा, या तो 4 होगा, या तो 8 होगा, या तो 16 होगा. क्लियर? तो ये जो भी पेजेस होंगे सबका साइज सेम होगा और वो पावर ऑफ 2 में ही रहता है उसका साइज. ओके, सो लेट्स सी द थ्योरी नाउ. पार्टीशन सफर्स फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बिकॉज ऑफ अवेलेबल मेमोरी इज नॉट कंटिजियस. जो भी पार्टीशंस थे अभी जो हमने देखा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, तो उसमें क्या हो रहा था कि मेमोरी स्लॉट्स तो हैं बट वो कंटिन्यूस नहीं थे, सिक्वेंस में नहीं थे, अलग अलग जगह पे हैं, जिससे हमें अगर बड़ा प्रोग्राम लोड करना है सो वी कैन नॉट लोड. ओके, सो पेजिंग परमिट्स अ प्रोग्राम्स मेमोरी टू बी नॉन कंटिजियस, अलाउिंग अ प्रोग्राम टू बी अलोकेटेड फिजिकली अ फिजिकल मेमोरी वेयर एवर इट इज़ अवेलेबल. पेजिंग क्या करता है, अगर मेमोरी नॉन कंटिजियस है तो भी क्या करेगा, वो कहीं पे भी डेटा स्टोर करेगा. ओके, इट विल अलोकेट फिजिकल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी में वो कहीं पे भी डेटा स्टोर करेगा जहाँ पे भी जगह होगा. ओके,
और उसके लिए क्या वो बनाता है, पेज मैप टेबल बनाता है जिसके अंदर सब रिकॉर्ड रहता है कि कौन सा हमारा डेटा कहाँ पे स्टोर है। तो पेजिंग क्या करता है, जहाँ पे भी वेकेंट होगा स्पेस वहाँ पे वो डेटा लोड करेगा। नाउ द थर्ड वन, फिजिकल मेमोरी इज ब्रोकेड इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक कॉल्ड एज पेज फ्रेम। ओके, जो फिजिकल मेमोरी हमने देखा उसमें क्या है, नंबर ऑफ फ्रेम्स है। ओके, और वो भी फिक्स साइज के होते हैं। एंड लॉजिकल मेमोरी इज ऑल्सो ब्रोकन इंटू ब्लॉक्स ऑफ सेम साइज दैट इज कॉल्ड एज पेजेस। अभी हमने जैसे देखा लॉजिकल मेमोरी में क्या था, पेजेस लोड हो रहे थे। ओके, मीन्स पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। वेन अ प्रोग्राम इज टू बी एग्जीक्यूटेड इट्स पेजेस आर लोडेड इंटू एनी अवेलेबल फ्रेम। अगर हमें कोई प्रोग्राम रन करना है, ओके, वो प्रोग्राम जो है जो लॉजिकल मेमोरी में स्टोर है फिर उसे फिजिकल मेमोरी में लोड करना है, मीन्स फ्रेम में लोड करना है। तो उस टाइम जो भी फ्रेम खाली होगा वहाँ पे उस प्रोग्राम के पेजेस जो होंगे वो लोड होंगे और उसकी डिटेल कहाँ होगी, पेज मैप टेबल। ओके, एंड द पेज मैप टेबल्स डिफाइन टू ट्रांसलेट फ्रॉम यूजर पेजेस टू मेमोरी फ्रेम्स। पेज मैप टेबल है जो बताता है यूजर के पेजेस मेमोरी फ्रेम्स में किस तरीके से ट्रांसलेट हुए हैं, कौन सा पेज कहाँ पे गया है, किस फ्रेम में गया है, दैट डिटेल इज स्टोर्ड इन पेज मैप टेबल। ओके, एंड द पेज साइज इज डिफाइंड बाय हार्डवेयर एंड इट इज टिपिकली पावर ऑफ टू। तो ये पेज साइज जो है ये हार्डवेयर के थ्रू डिफाइंड होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन हार्डवेयर ओनली, और ये पावर ऑफ टू ही रहता है जो मैंने अभी बताया कि पेज साइज या तो 2KB होगा या 4KB या 8KB या 16KB, ये रेंज में ही रहेगा, मीन्स इट विल बी इन पावर ऑफ टू। ओके, सो दिस इज योर पेजिंग। पेजिंग में क्या रहेगा, मेमोरी कहीं भी रहने दो बट जब वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करना है वो लॉजिकल मेमोरी का डेटा फिजिकल मेमोरी में लोड करेगा इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स, और जिस जगह पे भी फ्रेम्स खाली होगा वहाँ पे डेटा लोड होता है और उसका डिटेल कहाँ होता है, इन पेज मैप टेबल। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पेजिंग। सो इट्स वेरी सिंपल इफ यू विल लर्न अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, सो द थियरी पार्ट इज वेरी मच सिंपल। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का भी हम पहले डायग्राम करेंगे। ओके, तो पेजिंग में क्या था, हमारे जितने भी लॉजिकल मेमोरी में पेजेस बन रहे थे वो सब सेम साइज के थे, बट हियर यू कैन सी इसका साइज है 1000, इसका साइज है 800, ये है 700, ये है 900, 0 to 8 899 मीन्स 900 और ये 500 मीन्स। यहाँ पे क्या होता है, प्रोग्राम अलग अलग सेगमेंट्स में स्टोर है और हर एक का साइज़ अलग है। पेजिंग में क्या था, साइज सबका सेम था, एंड सेगमेंटेशन में क्या है, सबका साइज डिफरेंट है। ओके, बट ये डिफरेंट कैसे होता है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक। अगर आपके एक प्रोग्राम में, ओके, ये मेन प्रोग्राम है, ये मेन प्रोग्राम है, फिर एक उसमें सब प्रोग्राम है, एक स्क्वायर रूट की कोडिंग है, एक एरिया की कोडिंग है, एंड वन मोर कोडिंग इज़ फॉर एरिया। ओके, तो आप देख सकते हो कि इसमें जो है वो कोड अलग अलग सेगमेंट में स्टोर है, लाइक इन डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, इन कोड सेगमेंट। ओके, तो अलग अलग सेगमेंट में हमारा डेटा स्टोर है, मीन्स अलग अलग जगह पे है। ओके, तो बस ये जो रेंज है इसलिए ये अलग है, क्यों, बिकॉज हियर डेटा इज़ डिवाइडेड और प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड बेस्ड ऑन लॉजिकल मीनिंग। उसका लॉजिक जहाँ से जहाँ तक वैलिड है, मीन्स एरिया इज अ सिंगल लॉजिक, तो उसको सेपरेट कर दिया, स्क्वायर रूट को सेपरेट कर दिया। ओके, ऐसे इस तरीके से इस प्रोग्राम में डिवीजन होता है जिससे इसका साइज जो रहता है वो डिफरेंट होता है। एंड यू कैन सी हियर सेगमेंट नंबर्स आर 0, 1, 2, 3, 4, टोटल 5 सेगमेंट्स, और हर एक का साइज आपको बस सामने लिखना है, एंड दिस इज नोन एज SMT, that is segmentation map table. ओके, जैसे वो PMT था, ये SMT है। तो इसमें क्या रहेगा, हर एक सेगमेंट का साइज मेंशन किया हुआ है। ओके, सो लेट्स सी द थ्योरी नाउ।
Segments are logically divisions of program and hence are normally variable size. तो उसने क्या बोला, सेगमेंट जो भी है वो लॉजिकली डिवाइड होते हैं प्रोग्राम के थ्रू, जिससे उसका साइज क्या रहता है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ वेरिएबल साइज सेगमेंट्स. सेगमेंटेशन इज अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम विच सपोज यूजर्स व्यू ऑफ मेमोरी. सेगमेंटेशन एक ऐसा स्कीम है मेमोरी मैनेजमेंट का जो यूजर्स के व्यू को सपोर्ट करता है. ओके, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ देयर प्रोग्रामिंग वो डेटा को डिवाइड कर रहा है इन वेरिएबल साइज. ओके, ईच सेगमेंट हैज़ नंबर एंड लेंथ. सेगमेंट में क्या था, नंबर था ना, लाइक 0, 1, 2. तो हर एक सेगमेंट में नंबर है. लेंथ मीन्स वॉट, लाइक वन सेगमेंट इज फॉर 1000, वन सेगमेंट इज फॉर 500, ऐसे ही इसको बोलते हैं लेंथ की, उस कितना बड़ा सेगमेंट है वो. ओके, तो हर एक सेगमेंट का एक नंबर है और एक लेंथ है. ईच प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म, exe फाइल जो हम लोग बोलते हैं. ओके, डॉट exe फाइल, दैट इज नोन एज एग्जीक्यूटेबल फाइल. सो ईच प्रोग्राम इन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म कैन बी कंसिडर टू बी कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट सेगमेंट सच एज कोड, डेटा, स्टैक सेगमेंट. तो हर एक प्रोग्राम जिसका exe फाइल बन गया मीन्स इट इज़ अबाउट टू रन. ओके, तो उसका जो भी डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होता है, इन डिफरेंट सेगमेंट्स लाइक कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट. एंड आई होप जब हमने प्रोसेसर पढ़ा है 8086 एंड सीरीज ऑफ 8086, उसमें हमने नंबर ऑफ सेगमेंट्स पढ़े हैं, उसके प्रोग्रामिंग मॉडल में हमने नंबर ऑफ सेगमेंट्स पढ़े हैं, एंड दो सेगमेंट्स आर यूज्ड एज टू स्टोर डेटा. ओके, सो दो सेगमेंट लाइक कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट एंड दिस वन, ऑल दीज आर सेम ओनली. ओके, ईच ऑफ दीज आर फर्दर डिवाइडेड इन टू न्यू सेगमेंट्स. अगर उसमें कोई और लॉजिकल डिविजन हो सकता है तो वो और नए सेगमेंट में डिवाइड होता है. ओके, अ प्रोग्राम नॉर्मली कंटेन्स मेन प्रोग्राम, सब प्रोग्राम, फ्यू प्री डिफाइंड एंड प्री कंपाइल्ड फंक्शंस. तो एक प्रोग्राम में क्या होता है, कुछ पहले से फंक्शंस होते हैं जो प्री डिफाइंड एंड प्री कंपाइल्ड होते हैं. लाइक इन C++ वॉइड मेन वी आर हैविंग एज प्री डिफाइंड एंड प्री कंपाइल्ड. ओके, तो वो पहले से डिफाइंड है, वी कैन नॉट यूज इट अगेन एंड अगेन लाइक वॉइड मेन. ओके, सो हर एक प्रोग्राम में एक मेन प्रोग्राम होगा, एक सब प्रोग्राम होगा, एक कुछ तो भी प्री डिफाइंड एंड कंपाइल्ड फंक्शंस होंगे. ओके, ईच ऑफ दिस बिलोंग्स टू डिफरेंट सेगमेंट, और हर एक फंक्शन एंड प्रोग्राम सब डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में होंगे. ओके, सो दिस इज नोन एज सेगमेंटेशन. पेजिंग में क्या था, मेमोरी साइज जो था मीन्स पेज का साइज वो फिक्स था. सेगमेंटेशन में इट इज़ लॉजिकली डिवाइडेड, सो इट इज़ ऑफ वेरिएबल साइज. जो भी हमारा सेगमेंट बन रहा है हर एक का साइज क्या है, वेरिएबल साइज है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेगमेंटेशन. ड्रॉ द डायग्राम फॉर बोथ ऑफ दीज memory management scheme, that is paging and segmentation, both are really very much important and chances is more for one of them. Okay, so please do this, and next we'll do non-contiguous virtual memory. We'll do this next time. Okay, till that time if you are facing any kind of doubt, please mention through comment or through email. Thank you, class.